राष्ट्रीय पौष्टिक अनाज वर्ष 2023 के तहत कृषि विज्ञान केंद्र गुमला के द्वारा जिला स्तरीय किसान मेला शुक्रवार को किया गया। कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, विकास भारती के सचिव अशोक भगत, सांसद सुदर्शन भगत, भाजपा नेता प्रवीण सिंह, उपायुक्त सुशांत गौरव आदि ने शुभारंभ किया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अब पूरे देश के किसानों को कृषि के अलावे पशुपालन, मछली पालन व मुर्गी पालन के लिए भी केसीसी प्रदान किया जाएगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भैया जल्दी आरंभ होने वाली। उन्होंने कहा कि जब तक गांव गरीब और किसान आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश को आगे बढ़ाने के लिए किसानों को सम्मिलित करना होगा। कृषि प्रधान देश है, इसलिए हमारी प्राथमिकता कृषि की अर्थव्यवस्था को ताकत देने की होनी चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार कृषि और किसान दोनों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और इन 8.5 वर्षों में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाओं का मोदी जी ने सृजन किया है। पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के खातों में जमा कराने का एक सफलतम प्रयोग किया है। फिर कृषि अधोसंरचना विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड हो, अल्पकालिक ऋण के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण हो और फिर चाहे FPO जैसी परियोजनाएं हों और अनेक प्रकार के ऐसे मिशन जो छोटी छोटी चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे इस बार मिलेट्स ईयर 2023 झारखंड मिनरल स्टेट है, लेकिन झारखंड में खेती की भी धरती बहुत है, लेकिन ये सही है कि बड़ा हिस्सा वर्षा आधारित है और वर्षा आधारित क्षेत्र में मिलेट की खेती हो सकती है। मिलेट्स को और प्रोत्साहित किया जाएगा, इसके लिए मिलेट मिशन चल रहा है और हम लोग प्रयत्नशील हैं तो झारखंड मिनरल स्टेट के साथ साथ मिलेट्स स्टेट के रूप में भी परिवर्तित होगा। मैं इस अवसर पर झारखंड के किसान भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूँ कि खेती यह आजीविका का साधन तो है ही, लेकिन खेती हमारा एक राष्ट्रीय कार्य भी है, राष्ट्रीय दायित्व भी है। जिसके पास खेती है उसको निश्चित रूप से शिद्दत के साथ खेती करना चाहिए, वह उन्नत खेती कर सके, वह मुनाफे की खेती कर सके, वह टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सके, वह बैंकों का सहयोग ले सके, वह अपने उत्पाद की प्रोसेसिंग कर सके। इन सब के लिए भारत सरकार ने योजनाएं बनाई हैं और भारत सरकार उनको मदद करने को तैयार है। आप सब लोग आगे बढ़िए, हम सब कदम मिलाकर आपके साथ चलेंगे। नया एक्ट बनाकर भ्रष्टाचार को समाप्त करने की कोशिश की थी और उस समय डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का भी गठन कानून के माध्यम से किया गया था। वह डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन भी आज माइनिंग क्षेत्र में हमारे गरीब लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने में काफी मददगार सिद्ध हो रहा है। लेकिन हम सब को ये नहीं भूलना चाहिए कि झारखंड में कृषि भूमि भी कम नहीं है, लेकिन यह सच है कृषि के लिए सिंचित भूमि की कमी है। बड़ी मात्रा वर्षा आधारित खेती की है और वर्षा आधारित खेती में अगर ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, मोटे अनाज का उत्पादन प्रोत्साहित किया जाए, सरकार प्रशासन उसमें मदद करे तो बड़ी मात्रा में उत्पादन भी बढ़ सकता है और उत्पादकता बढ़ाने में कृषि विज्ञान केंद्र ICAR के वैज्ञानिक बड़ा योगदान कर सकते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।